बिजली विभाग का सार्थक प्रयास पाटन क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो भी बिजली का बिल समय पर मेदिनीनगर जाकर जमा नहीं कर पाते थे उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आपको बता दें सोमवार को प्रचार वाहन के माध्यम से पाटन थाना क्षेत्र के अनेकों गांव में प्रचार किया गया था। बिजली बिल जिस किसी का भी बाकी हो वो कल पाटन विद्युत सब स्टेशन में आकर जमा करें। आज विद्युत सब स्टेशन में एक वाहन खड़ी है, उस वाहन पर बिजली बिल जमा करने के लिए एटीएम मशीन लगा हुआ है और एक कर्मचारी बारी बारी से जिनका पैसा लेकर एटीएम मशीन में एक एक नोट लगा रहा था और बारी बारी से बहुत सारे व्यक्तियों का बिजली का बकाया पैसा जमा हो गया और सभी का कितना पैसा जमा हुआ पर्ची मिल रही थी। इस तरह की बिजली बिल भुगतान से सभी बिजली कनेक्शन धारी खुश नजर आए। बिजली कर्मी से बात करने पर पता चलता है कि हर महीना बिजली बिल कलेक्शन करने आएगी वाहन विद्युत सब स्टेशन पाटन में आएगी। R9 भारत के लिए आनंद दुबे की रिपोर्ट, पलामू ब्यूरो। पलामू जिले के प्रखंड कार्यालय नौडीहा बाजार में क्षेत्रीय विधायिका पुष्पा देवी व पूर्व सांसद मनोज कुमार के द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य प्रखंड में दाखिल खारिज, जमीन की ऑनलाइन एंट्री, पेंशन, आवास संबंधित समस्याओं के लिए चक्कर लगा रहे लोगों को राहत देना था। जनसुनवाई के दौरान कुल 70 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें नामांतरण से संबंधित 10, भूमि ऑनलाइन से संबंधित 37 व पेंशन से संबंधित 23 आवेदन प्राप्त हुए। उक्त प्राप्त आवेदनों के निष्पादन हेतु संबंधित कर्मियों को 7 दिनों का समय देते हुए प्रतिवेदन से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पूर्व से लंबित आवेदनों को भी यथाशीघ्र निष्पादन करने की बातें कही गईं। जनसुनवाई के दौरान नौडीहा BDO कामेश्वर बेदिया, CO राकेश तिवारी, प्रमुख फुलवा देवी, उप प्रमुख जिला परिषद, पंचायत प्रतिनिधि एवं प्रखंड कर्मी उपस्थित रहे। दूसरा चीज है कि अंचल में मात्र तीन कर्मचारी हैं, 12 पंचायत है, तो कुछ ना कुछ कठिनाई तो है और यह सरकार की उदासीनता है। हम तो लिखे भी थे कि यहाँ पूर्णकालिक प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी का पदस्थापन किया जाए, लेकिन जो कुछ कमी है उसको हम लोग सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर सबसे हम आग्रह भी किया है कि आप लोग भी सहयोग कीजिए, जो यहाँ समस्या है करप्शन को बढ़ावा मत दे, बिचौलिया दलाल के पास लोग न जाए, संबंधित जो पदाधिकारी है अगर कोई समस्या तो उससे मिले, अगर वहाँ से बात नहीं बनती तो हम लोगों से संपर्क करें, विधायक जी से संपर्क करें। सर आज जो कैंप का आयोजन किया गया था जिसमें पूरा मैटर आया क्या पेंशन से संबंधित, जमीन से संबंधित, क्या वो सब उम्मीद है कि निपटारा या हो जाएगा सर? कितना दिन में हो जाएगा, कितना दिन में? क्या अधिकारी की तरफ से आश्वस्त किया गया कि 1 सप्ताह के अंदर उस पर कार्रवाई होगा। अगर जमीन संबंधित जो मामला है, अगर जो नहीं होने लायक है, आज ऑनलाइन सारा चीज होता है, तो उसका भी ईलो के तरफ से आसपास उल्लेख रहेगा कि किस कारण से आपका काम नहीं। जी सर, एक चीज़ को और अवगत करा दूँ सर कि यहाँ नौडिया प्रखंड में जमीन तो अलग है, पेंशन ऐसे चीज़ है जो अभी तक वृद्ध कितने भी मर गए लेकिन उसका पेंशन नहीं हुआ। कभी कितना चप्पल आते थे ब्लॉक टूट गया लेकिन वो काम हुआ नहीं, लेकिन आपका अगर प्रेशर दबाव होगा प्रखंड में तो ये कार्य अच्छा हो पाएगा, क्या इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए सर? प्रभारी BDO से बात हो रही थी जी, यहाँ कुछ दिनों के अंदर उनका कहना है कि 600 वृद्धा पेंशन स्वीकृत कर दिया जाएगा, तो 600 हो जाने के बाद लगता है कि बहुत हद तक यहाँ वृद्धा पेंशन से संबंधित मामला सोल्व हो जाएगा। और जैसे जैसे इसका रिक्वायरमेंट है, खासकर विधवा पेंशन वगैरह का तो जब भी होता है उसको कर लिया जाता है, लेकिन वृद्धा पेंशन में कुछ देखने को आता है कि काम नहीं होने के कारण यहाँ प्रखंड में लोग गरीब आते हैं बहुत उम्मीद से, लेकिन यहाँ नहीं काम होता है, बहुत लोगों को उदासीनता दिखाती है, इसलिए आपसे पूछना पड़े इस पर क्या होना चाहिए आपके तरह से, ये प्रखंड में विशेष दबाव क्या होना चाहिए? हम लगातार पदाधिकारियों के और जनता के भी संपर्क में जी, यह पहला आज शिविर था, इसके बाद पदाधिकारी से बात हुआ है, CO और BDO से, हम लोग इसको पंचायत लेवल पर लेके जाएंगे कि ताकि लोगों को अननेसेसरी प्रखंड अंचल का चक्कर। R9 भारत के लिए आनंद कुमार दुबे का रिपोर्ट, पलामू।